प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी रैलियों में लोगों के समर्थन के लिए जताया आभार। ट्वीट कर कहा, बिहार के युवाओं और महिलाओं को एनडीए से उम्मीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पूर्णिया में रैली, कहा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मधेपुरा में जनसभा को किया संबोधित। कृषि सुधार कानून पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतलुज नदी पर 210 मेगावाट लोहरी जल विद्युत परियोजना समेत कई प्रस्तावों को दी मंजूरी। प्रोजेक्ट से हर साल मिलेगी 775 करोड़ यूनिट बिजली, 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार। बैठक में देश के आर्थिक हालात पर भी चर्चा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, अर्थव्यवस्था की पटरी पर लौटने के मिल रहे हैं संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को मिली शुरुआती बढ़त। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया चुनाव में धांधली का आरोप। सुप्रीम कोर्ट जाने की कही बात, नतीजे आने में हो सकती है देरी। परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भारत के दो प्रस्तावों को संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की स्वीकृति। प्रस्तावों में किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों के प्रयोग पर रोक की बात। प्रस्तावों में परमाणु हथियार का डी अलर्ट और डी टारगेट भी शामिल। और देश में लगातार छठे दिन कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6 लाख से कम। पिछले 24 घंटे के दौरान 53,000 लोगों ने वायरस को दी मात। अब तक 76 लाख से अधिक लोग हुए ठीक। स्वस्थ होने वालों की दर 92% के पार।